80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद जयाप्रदा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जयाप्रदा की मां नीलावेनी का 1 फरवरी को हैदराबाद में निधन हो गया। उनकी मां 81 साल की थी और काफी समय से बीमार चल रही थी। उन्होंने हैदराबाद के कॉन्टिनेंटली अस्पताल में अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयाप्रदा की मां की हालत बेहद नाजुक थी। अपनी मां के निधन के बारे में जानने के बाद जया, जो किसी काम के कारण दिल्ली में थी, अंतिम दर्शन को हैदराबाद पहुंची थी। डॉक्टर लाख कोशिशों के बाद भी जया की मां को बचा नहीं सके। मां की तहवी पर जयाप्रदा ने फूलों से सजी उनकी तस्वीर शेयर की है और लिखा है, आप हर पल मेरे साथ रहोगी, आई मिस यू अम्मा। जयाप्रदा इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। मां के जाने का गम उन्हें हर पल साल रहा है। जयाप्रदा अपनी मां के काफी करीब थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सफलता का श्रेय भी उन्हें ही दिया। उनकी मां ने उद्योग में उनके करियर को आकार देने में खास भूमिका निभाई। आंध्र के राजमुंद्री में प्राइमरी स्कूलिंग के बाद जयाप्रदा को उनकी मां ने डांस के अलावा कई तरह की ट्रेनिंग दिलवाई थी। डांस और खूबसूरती की वजह से ही जयाप्रदा को फिल्मों में काम मिला था। जयाप्रदा को 14 साल की उम्र में अपने स्कूल में डांस प्रोग्राम पेश करने का मौका मिला था, जिसे देखकर एक फिल्म डायरेक्टर उनसे काफी प्रभावित हुए थे और अपनी फिल्म भूमि कोसम में उनसे डांस करने की पेशकश की थी। हालांकि जयाप्रदा ने पहले तो इस प्रस्ताव को साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी मां के जोर देने पर उन्होंने फिल्म में डांस करना स्वीकार कर लिया था। इस फिल्म के लिए जयाप्रदा को डांसिंग के लिए महज 10 रुपए मिले थे। साउथ से बॉलीवुड फिल्मों में आने के लिए भी जया को उनकी मां ने काफी सपोर्ट किया। बेटे की शुरुआती दिनों में वो उनके साथ आंध्र से मुंबई आईं और जया के साथ शूटिंग पर जाती रहीं। जयाप्रदा की गिनती बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में होती है। 80 के दशक में तो लीड स्टार रही वो। इस दौर में उनकी खूबसूरती को देख सत्यजीत रे ने कहा था कि वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। यहाँ तक कि सत्यजीत रे उन्हें लेकर एक बांग्ला फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई थी। जयाप्रदा को खूबसूरती उनकी माँ से ही मिली थी। जया हूबहू अपनी माँ जैसी ही दिखती है। जया अपनी माँ को इतना आदर देती थी कि उनके सम्मान में उन्होंने रामपुर में एक अस्पताल खोल रखा है। आए दिन वो सोशल मीडिया पर अपनी माँ के प्रति प्यार जताती रहती थी। जया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर उनकी कई तस्वीरें शेयर की हैं। बता दें कि जयाप्रदा इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों से दूर हैं और राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं। पिछले दिनों यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए वो प्रचार करती हुई दिखी थी। साल 2019 में जयाप्रदा ने बीजेपी ज्वाइन किया था। इससे पहले वो तेलुगु देशम और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।